मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 40 से ज्यादा लोगों ने वन विभाग के रेंज ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। वन कर्मियों के साथ मारपीट भी की। ये लोग चार आरोपियों को छुड़ाकर अपने साथ ले गए। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। मामले में पुलिस ने 36 आरोपियों को पकड़ लिया है। दरअसल वन विभाग की टीम ठाठर बलड़ी क्षेत्र से चार लोगों को गिरफ्तार कर रेंज ऑफिस लाई थी। आरोपी की ये लोग अतिक्रमण करने की नीयत से वन विभाग के प्लांटेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल थे। पूछताछ के बाद वन अधिकारियों ने उन्हें रेंज कार्यालय रेणुका में रखा था, जहां रात करीब 9 बजे 40 से ज़्यादा की संख्या में लोग पहुँचे और जमकर हंगामा किया। आरोपी की उन्होंने वन कर्मियों से मारपीट की। इस दौरान चार वनकर्मी घायल हो गए। फरियादी फॉरेस्ट गार्ड ने बताया कि आरोपियों ने कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। कल परिक्षेत्र कार्यालय बुरहानपुर, जो कि रेणुका डिपो परिसर में है, वहां पे अतिक्रमणकारियों के समूह ने हमला किया था, जिनके पास में पत्थर भी थे और लाठियां भी थी और डंडे भी थे। उन्होंने हमारे परिक्षेत्र कार्यालय में तोड़फोड़ की, गेट तोड़े और पूरा फर्नीचर तोड़ा, और हमारे वनकर्मी, खासकर की महिला वनकर्मियों के साथ में अभद्रता भी की और मारपीट भी करने की कोशिश की। उसके बाद में तत्काल मैं भी मौके पर पहुंचा, तब तक वो लोग निकल चुके थे वहां से। फिर मैंने एसपी सर को भी रास्ते में ही सूचित कर दिया था। एसपी सर ने और पुलिस विभाग ने त्वरित सपोर्ट देते हुए, एक बीच में थाना पड़ता है तो वहाँ से टीम भेज के उन्होंने इंटरसेप्ट किया और वो पकड़ में आ गए थे।